ये भुचुक निकल गया था। वेप नंबर ओके। तो कमाक्षी ने लिया है। आई एम आयुष तन्ना द साइड फ्रॉम वेजी बाजी। और आप अगर रेस्टोरेंट पे पहली बार आए हो तो हम दिखाते हैं वेजिटेरियन खाना हर टाइप का। आज देखने वाले हैं इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में खाने में कितना फर्क होता है। देखेंगे जब आप इतने सारे पैसे खर्च करते हो एक उसी जर्नी के लिए जिसके लिए आप इतने पैसे भी खर्च कर सकते हो, क्या आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। लेट्स बिगिन बिना किसी देर के। कंपैरिजन करने के लिए मैंने सेम एयरलाइंस की फ्लाइट में ट्रैवल करा है, विस्तारा की इकोनॉमी क्लास और विस्तारा की बिजनेस क्लास। पहले इकोनॉमी क्लास का एक्सपीरियंस देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से श्रीनगर सुबह सुबह की फ्लाइट में। अच्छा, जो डिफरेंस है ना इतने एमिनिटीज का, वो स्टार्ट हो जाता है लॉन्च से। इकोनॉमी क्लास का लॉन्च अलग होता है और बिजनेस क्लास का लॉन्च एकदम ही अलग होता है। पहले कमेंट्स में ये बताओ आपको कौन सी जर्नी ज्यादा पसंद है, ट्रेन वाली या फिर फ्लाइट वाली। हाँ, स्प्राउट्स। आई ओनली ईट हेल्दी फूड, सो दैट मीन्स स्प्राउट एंड लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर्स, और कुछ नहीं खाने वाला। दिल्ली के एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, एनकाम नाम का यहाँ पे लॉन्च होता है। वो एक ना बड़ी प्रीमियम सी चीज़ होती थी किसी ज़माने में, आजकल तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में वो चीज़ ऐड ऑन ही मिलती है। तो जो इकोनॉमी क्लास का जो ये फूड होता है लाउंज का, ये दिस इज़ प्रीमियम ऑल्सो, बट इसके अंदर सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। शायद आपको बैठने की जगह मिले ना मिले, आपको वो सारे अरेंजमेंट खुद करने पड़ेंगे। बट जैसे आगे जाके आप देखोगे बिजनेस क्लास पे काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। ओके, आज के लॉन्च एक्सेस के खाने में तीन तो डिप्स हैं, स्प्राउट्स हैं और ये क्यूक्यूम्बर्स हैं, मल्टीपल चटनीस हैं जिसमें से मेरी फेवरेट है ये कोकोनट चटनी, और साथ में फिर इडली भी होगी। इडली आ रही है, सांभर, और ये क्या है, वेजिटेबल दलिया कुलचे। दिस ये बहुत बहुत टेस्टी होता है ये। एंड फिर नॉन वेज है, फ्रूट्स बोल्स चाहिए मुझे, बोल्स ही रहे। बड़ा दूँ छोटा दूँ, ये लो छोटे। डोसा खाना है मेन, तो मैं डोसा लेने ही आया था। मस्क मेलन है, भाई होता भाई को मस्क मेलन बहुत पसंद है। बनानास एप्पल्स रखने कि बाद में अगर ज़रूरत पड़े? नहीं, इतना तो खाना में मिल ही जाएगा। मैं डोसा ले रहा हूँ फिर, ठीक है। ब्लूबेरी वाला मफिन एग्लेस है क्या? यस सर, ऑल एग्लेस। एक कैन यू प्लीज पुट वन हियर, थैंक यू। सो मेरी प्लेट में है कुलचे, छोले, ब्लूबेरी मफिन, चटनी और ये पता नहीं जो मैं किसके साथ खाऊंगा, एंड यही सब है मेरी प्लेट में। डोसा खाना था जो है नहीं। कमाक्षी ने लिए हैं चौकोस और कमाक्षी ने लिया है इडली जो मिलवाड़ के खाने वाले हैं, ब्रेड जो वो जैम के साथ खाती है उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, सांभर, फ्रूट्स, स्प्राउट्स और ये डोसा खाना था, डोसा ही नहीं है। दूसरे वाले लॉन्च में, और दूसरे वाले लॉन्च की लाइन देख के आया हूँ, खतरनाक लंबी है। तो ऐसा करेंगे पूरा खाना यहाँ से खा लेंगे, और अगर उन्होंने एक्सेस दी तो डोसा खा लेंगे, वरना फिर काफ़ी। ये चौकस पैसा वसूली की चीज़ नहीं होती, और तो इसमें पैसा वसूली वाला कुछ है नहीं। हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे एनकाम करके है, उसके दो लॉन्च है और इतनी खतरनाक लाइन। जैसे नाटिक कैफे पे जाके अगर आपने डोसा खाना है तो आप 5 मिनट में खा लोगे, यहाँ पे आपको फ्री का खाना खाने के लिए, विच इज़ नॉट फ्री का खाना क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी 1500 रुपये इसके लिए दे रही है, तो आपको आधा घंटा लगना पड़ता है। गुड फूड, खाना एकदम खतरनाक है, वेरी टेस्टी, नाइस ना। खाना बहुत अच्छा है, बट हम लोगों को खानी क्या थी, डोसा, हम खाने ही डोसा आए थे, पीनट वाली सब अच्छा था, छोले इनके बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल दिल्ली का ये इनकाम लॉन्च बहुत अच्छा है, बस T3 में 2 लॉन्च है और एक डोसा नहीं देता, बाकी सब अच्छा। ये तो था इकोनॉमी क्लास, जो मोस्ट एयरपोर्ट्स अक्रॉस डोमेस्टिक में आप देखोगे तो ऐसा ही होता है बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास का। अब कुछ जो प्रीमियम एयरपोर्ट्स होते हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, वहाँ पे एक बिजनेस क्लास का अलग सेक्शन होता है लॉन्च के लिए भी, लाउंज के लिए जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो। वहाँ पे क्या होता है, बस खाना थोड़ा और होता है, सीटिंग थोड़ी और कम्फी होती है और थोड़ा एकदम ऐसे आपको एक्सक्लूसिव सी फीलिंग आती है। अब देखो फिर आगे बढ़ेंगे।
अरे यार मैं तो सच्ची बताऊँ आपको, मैं पहले कंफ्यूज हो गया। मैं जाके नॉर्मल लाइन में लग गया जो इकोनॉमी वाली लाइन में थी, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे जब भी गए तो इकोनॉमी में ही फ्लाई करे हैं, तो उस लाइन में लग गया। फिर उन्होंने बोला सर आपके पास बिजनेस क्लास की टिकट है, आप आगे वाले में जाओ। तो मेरे को पहली बार पता चला मुंबई एयरपोर्ट में ये बिजनेस क्लास वाला क्या मजा है। अच्छा फिर चीज़ें देखने में आया ना, तो थोड़ा बिजनेस क्लास का ना एक सेक्शन अलग सा बनाया है। ये अभी आप जो देख रहे हो ये सारा इकोनॉमी क्लास वाला, जो मतलब इकोनॉमी क्लास ना बोलो, आप जो नॉर्मल लाउंज खाना बोलो वो चीज़ है। अब मैंने देखा नॉर्मल लाउंज खाने वाला जो सेक्शन था वहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी मिलना मुश्किल थी। सीट्स थोड़ी नॉर्मल कम्फर्ट वाली थी, जो सोफा वाली सीट्स थी वो कम थी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा था। अब कमिंग बैक टू जो बिजनेस क्लास वाले में क्या अलग है, बिजनेस क्लास वाले में छोटा सा सेक्शन बना रखा था खाने का, जैसे अगर वहाँ पे 25-30 चीज़ें होगी तो यहाँ पे 15-20 चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें कम होगी, बट एक अलग सेक्शन है और आपके पास है। और ये सारा जो बिजनेस क्लास वाला एरिया है वहाँ पे सोफ़ा वाली सीट्स होगी मैं ताकि कम्फर्टेबली बैठूँ। अब शायद यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जैसे ही टेबल ऑक्यूपाई हो जाता है तो फिर वेट होता है, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, बट मतलब इट वाज मोर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। वेज ब्रेकफास्ट। अब वैसे ही इकोनॉमी में खाना अगर कोई फ्लाइट डोमेस्टिक में देरी है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी एक, बट वो बैकपैक में रखी हुई थी तो वो जगह मिली नहीं, जस्ट इकोनॉमी थिंग्स, कोई नहीं। जब हम लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे तब चीज़ें बदलेगी। अच्छा लग रही है, पूरे काले चने ग्रेवी वाले वर्मेसिली के साथ में, और वर्मेसिली भी वो वेजिटेबल्स वाली है, वेजिटेबल्स वगैरह इसमें अच्छे खासे डले हुए हैं, लुक्स नाइस। चलिए इन्होंने चीज़ अच्छी बनाई है, बट वर्मेसिली चीज़ ही अच्छी है। बट छोले अच्छे हैं, फ्लेवरफुल है, और मतलब नहीं बट ठीक है, मतलब वर्मेसिली उपमा अच्छा लगता है, बट दिस इज ऑल्सो लाइक, हाँ वो सेवी अलग होती है ना वर्मेसिली, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई एक घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से श्रीनगर की, उसके अंदर भी खाना दे रहे हैं, और अभी कॉफ़ी चाय कॉफ़ी भी देंगे अभी। ओवरऑल आई वुड से दिस इज़ पेट भरने वाली मील, अच्छी टेस्टी fulfilling meal, and when paired with this it becomes even better. अब यही अगर हल्की लंबी फ्लाइट होती तो इसके अंदर एक मीठा भी होता, बस एक मीठा मिसिंग है इसमें, बट एक घंटे की फ्लाइट है तो उसमें आई थिंक यू कैन, नीड भी नहीं है, मतलब मेरे को तो इसकी भी नीड नहीं थी। अभी हल्की झपकी लगेगी ना तो श्रीनगर आ भी जाएगा। वेफ नंबर ये जर्नी के लिए रखने वाले थे हम, खुल भी अभी लेते हैं, अच्छी है, बड़ी रिफ्रेशिंग है। ओया ये चीज़ हमने रखी है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में व्यू चेंज करके दिखाते हैं, तब तक आप व्यू के टाइम लैप्स देखो। अब फाइनली बारी है बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस लेने की। हम लोग एक 21 डे भारत भ्रमण ट्रिप कर रहे थे, अपने हनीमून की स्पेशल ट्रिप, वो ट्रैवलिंग पाजी नाम का हमारा डेली व्लॉग का चैनल है, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो। तो हम लोगों ने अपने ट्रैवल मैप के हिसाब से जर्नी करी थी फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर, और क्या बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस था वो आप खुद ही देखिए। क्या खाएंगे, वेज ही खाएंगे हम लोग तो, हमारे तो वेज में दो तीन ऑप्शन है। स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी ऊपर ऊंचाई पे, मैंने तो अपना बेरी वेलकम ड्रिंक टाइप से लिया है, और वो एप्पल जूस। पहले तो मैं पानी लूँगा, मेरे को प्यास लगी है, पहले मैं पानी पी के वेलकम ड्रिंक पीऊँगा। चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। इस फ्लाइट में दो फैंसी फीचर है, एक ये वाला बटन दबाने से ये नीचे ऐसे खुलता है कम्फर्ट, और फिर एक ये वाला बटन दबाने के ये पीछे ऐसे सीट होती है जैसे कमाक्षी की अभी हो रखी है थोड़ी सी पीछे बस, और एक ये वाला फैंसी फीचर है जिससे ये वाला बटन दबाने से
ये भुचुक निकल के आता है। वेरी नाइस, चल भाग, अभी नीचे भाग जा, टेक ऑफ हो रहा है। ओके, तो कामाक्षी ने लिया है ये टोफू टेरियाकी और ये कुछ भी नहीं, कट फ्रूट्स डेजर्ट्स में, और मैंने लिया है क्योंकि सैलेड और मलाई कोफ्ता और लेमन कर्ड पेस्ट्री अलॉन्ग विद बेवरेज डाइट कोक और फिर टी और कॉफ़ी हम लोग बाद में लेंगे। इन अनदर न्यूज़, हम लोगों ने फाइनली पूछ लिया और ये रहा चार्जिंग पॉइंट, फुल साइज सॉकेट, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, पर हम क्यों करें। तो मैंने जैसे सैलेड लिया, कामाक्षी ने शायद नहीं लिया था, फिर मैंने डेजर्ट में ये लेमन पेस्ट्री ली थी जो बहुत टेस्टी थी। कामाक्षी ने कट फ्रूट्स लिए तो पहले उसको पूरा फ्रूट्स का सेक्शन आया, फिर उसका मेन खाना वाना बाद में आया। अच्छा, कामाक्षी ने भी सैलेड लिया था और मैंने जो गुलाब जामुन लिए थे वो कामाक्षी के प्लेट में डाल दिए थे। काफ़ी सारी मस्त चीज़, क्योंकि हमारी फ़्लाइट ये छोटी सी फ़्लाइट थी, तो वैसे हम लोगों ने कॉफ़ी का ऑर्डर भी करा था, बट जितने हम लोगों ने अपना खाना वाना फिनिश करा तो आई थिंक फ़्लाइट अटेंडेंट भूल गए थे, फिर हमने भी उनको ज़्यादा याद नहीं दिलाया, क्योंकि हम लोग भी रेस्ट मस्त कर रहे थे, बिजनेस क्लास में मज़ा ले रहे थे। एक जो वो ज़मीन से इतना ऊपर ये फैंसी कटलरी में जो खाना खाने का मज़ा है ना, ये कामाक्षी का खाना था जिसमें चावल और टोफू और एकदम मस्त विदेशी खाने वाली फीलिंग थी। आई थिंक द रियल एसेंस ऑफ बिजनेस क्लास फॉर अ फूडी लाइक मी इज दैट ओनली। यार मुझे तो बहुत मज़ा आया ऐसी वीडियोस बनाने में। आप लोगों को अगर देखने में मज़ा आता है तो एक लाइक कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वेजी पाजी, बात करेंगे ऐसी किसी और वीडियो में। बाय बाय।